Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Now I am going to share a very short message. और जल्दी से एक छोटे से संदेश को आपके पास आपके सामने रखना चाहता हूँ. The longest short message. और सबसे बड़ा छोटा संदेश. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है ये. I know you will be able to understand the message. और मुझे मालूम है कि आप इस संदेश को समझ पाएंगे. This is the word the Lord is sending now, right now. और ये अभी इसी वक्त ताज़ा संदेश परमेश्वर से मुझे मिल रहा है. But before I go into the message, लेकिन इससे पहले कि मैं संदेश में प्रवेश करूं, I want to make another important announcement and pray for a person. एक और ऐलान मुझे करना है, अनाउंसमेंट करना है, उस बात के लिए प्रार्थना भी करना है. Brother Aditya, भाई आदित्य. Is he available here? वो इधर मौजूद है. If not, we'll pray later. अगर नहीं है तो हम तत्पश्चात It's okay. प्रार्थना करेंगे. Shall we read from the book of Revelation 13th chapter? तो आइए आपके ध्यान को प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय की ओर मैं लेके जाना चाहता हूँ. Second verse. और उसके दूसरे पद को हम पढ़ेंगे. जो पशु मैंने देखा वे चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था. उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया. I see there is a little disturbance in your minds. मुझे यहां पर थोड़ा सा असमंजस, थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा है कि आपके मन में कुछ तो चल रहा है. Everyone who is happy to be here, let us raise our hands and say a big hallelujah for the Lord. यदि आप आनंदित हैं तो जोर से बोले हालेलुया. 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 Thank you. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Almighty God, our loving heavenly Father, the fountain of all blessings, we come before you, Lord. सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु परमेश्वर पिता, जो उस जीवन के स्रोत है, हम तेरे सम्मुख में आते हैं. Thank you, Lord, for the 3 days of Truth Seekers Convention. धन्यवाद प्रभु इन 3 दिवसीय सत्य की खोज की इस कन्वेंशन के लिए. Thank you, Lord, for the word you have sent into our midst in all the meetings. धन्यवाद प्रभु हर सभाओं में तूने अपने वचन को हमारे लिए भेजा. Thank you, Lord, for the all the arrangements and everyone who cooperated. धन्यवाद करते हैं उन सभी योजनाओं के लिए और जितने भी सहभागी इसमें हुए. Thank you, Lord, for this closing meeting. धन्यवाद प्रभु आज की इस समापन प्रार्थना के लिए. We thank you for the word we have just read out. और इस वचन के लिए धन्यवाद करते जो अभी हमने पढ़ा. Take the speaker tonight and the translator, both of us, into your absolute control. प्रचारक को और अनुवादक को, हम दोनों को प्रभु अपने पूर्ण नियंत्रण में तू ले ले प्रभु. Please come down and take each one of the congregation into your control. आप यहाँ पर उतर आए और तमाम लोगों को अपने काबू में ले ले प्रभु. Move upon us, Lord Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारे मध्य में चले फिरे. Speak unto our hearts, O Lord. हमारे हृदयों से बात करे प्रभु. Open our spiritual eyes, O Lord. हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु. Fill us with thy word, O Lord. आपके वचनों से हमें भर दे प्रभु. Reveal the necessary truth before our eyes, O Lord. और उचित उन प्रकाशनों को, भेदों को हमारे आगे खोल दे प्रभु. In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांग लेते हैं. Amen. Amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो. My dear brothers and sisters, I am speaking to Christians who know the Bible well. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं उन मसीहों से बात कर रहा हूं जो बाइबल को जानते हैं. Your Hindi Bible is mentioning somebody called पशु. और आपके हिंदी अनुवाद की जो बाइबल में एक व्यक्ति को यहां पर संबोधित कर रहे हैं जो पशु है. In English it is called the beast. अंग्रेजी अनुवाद में बीस्ट कहा गया है. What is this beast or पशु? अब ये पशु या बीस्ट क्या है? It is not a literal beast or animal. ये दृश्य तौर पर एक जानवर, पशु या बीस्ट नहीं है. It is a human being. ये एक इंसान है.
But a human being so dangerous and so complicated and so cruel. लेकिन ये इंसान बहुत खतरनाक है, उलझन में है और हानिकारक भी है. He is not an ordinary human being. ये एक साधारण मनुष्य नहीं. He is a merciless person. ये दया रहित एक मनुष्य है. Hitler killed millions of Jews. हिटलर ने कहीं यहूदियों को मार डाला. 6 million Jews. 6 million यहूदियों को. And Stalin and Mussolini, so many. They have all killed millions of people. Stalin, Mussolini, ऐसे कई सारे लोगों ने लाखों लोगों को मार डाला. Emperor Nero killed many lakhs of people. और नीरो सम्राट ने भी कई लाखों लोगों को मार दिया. President Idi Amin, the president of Uganda. युगांडा के राष्ट्रपति अमीन ने भी. He killed many people, and he used to eat the brain, raw brain of the dead people. कई लोगों को मारकर उनके मस्तिष्क के खोपड़ी खोलकर उसके अंदर के पुर्जों को वो खा जाता था. Idi Amin was like a demon. He is like a rakshas. माने वो एक खतरनाक राक्षस के समान बन गया था. He is a very strong and sturdy man. और वो बहुत ही ताकतवर और दृढ़ बंदा था. He will hold both the feet of वुमन और मैन. और वो किसी पुरुष या महिलाओं के दोनों पैर को पकड़ के बांध लेता with both his hands, अपने दोनों हाथों से. and lift that man or woman and he will hit to the floor. और वो उठाकर उनको मानो जमीन पर वो पटक देता था. and the skull is broken. और उनका सर फूट जाता था. and he will take the raw brain and eat. और उसमें से उस raw meat को निकाल कर खा जाता था. this is about President Idi Amin of Uganda. Idi Amin Uganda के राष्ट्रपति थे. You can know about him through internet also. उनके बारे में अधिक जानकारी गूगल बाबा से भी मिलेगा. देयर आर मेनी क्रूयल डिक्टेटर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री. और मनुष्य मानव जाति के इतिहास के अंदर में कई सारे ऐसे डिक्टेटरशिप अगुवे खड़े हो गए थे. बट दिस एंड टाइम वर्ल्ड डिक्टेटर विल सुपरसीड ऑल द क्रूयल पीपल ऑफ द यस्टर जनरेशन. लेकिन ये आने वाला मनुष्य अब तक जो देखा गए खतरनाक से खतरनाक बंदों को भी उसको पार करके खड़ा हो जाएगा. इज मोर क्रूयल than Hitler, more cruel than Idi Amin, more cruel than any other dictator. ये बंदा हिटलर से भी, Idi Amin से भी बहुत ही भयानक और खतरनाक और बड़ा सा खतरनाक बंदा आएगा. In Telugu Bible, it is clearly said it is क्रूरम मृगम, that is a cruel person. और तेलुगु अनुवादों में या अन्य अनुवादों में हम देखते हैं क्रूर जानवर समान एक मनुष्य. क्रूर जानवर है वो. वो क्रूर जानवर है वो खड़े होंगे. He will rule every country under the sky. और वो आकाश के नीचे हर उस राज्य में वो शासन को करेगा. You know why he will rule every country? अब आपको मालूम है वो क्यों शासन करने जा रहा है? Because Satan hands over his throne to this cruel beast. क्योंकि शैतान स्वयं अपना राजगद्दी इस जानवर को, इस पशु को देने वाला है. Did you hear me what I said? क्या आप सुन रहे हैं हम जो बोल रहे हैं? Satan is the king and prince of this world. शैतान इस दुनिया का राजकुमार और वो प्रभुता करता है. John's Gospel 14th chapter 30th verse tells us that Satan is the prince of this world. योहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय 38वें पद में लिखा है शैतान इस राज्य को शासन करता है. And 1 John epistle 5th chapter 19th verse also tells us. पहला योहन्ना की जो पत्री है उसका 5 का उसमें लिखा है The whole world is in the evil one. और सारा संसार उस दुष्ट के हाथों में है. The whole world is ruled and controlled by the devil. सारा संसार उसके काबू में, उसके नियंत्रण में और चलाया जाता है. Satan came to Jesus. शैतान यीशु के पास आया. When after the baptism Jesus fasted for 40 days and nights. He was in the wilderness. Satan came to Jesus. यीशु मसीह के बपतिस्मा के तत्पश्चात 40 दिन के लिए वो उस मरुभूमि में उपवास और प्रार्थना के लिए जब पहुंचा तब शैतान परीक्षाओं को लेकर आ गया. And he told Jesus. और उसने यीशु से कहा.
You fall down and worship me. Oh, तुम मुझे गिर कर दंडवत करो, नमन करो. See all the riches and power and glory of these kingdoms of this world. देखो इस राज्य में, दुनिया में जो कुछ भी प्रभुताएं हैं, ताकत है, सब मैं तुझे दे दूंगा. All the glory of the world's kingdoms belong to me. सारी महिमा जो सारे राज्यों का है, वो मेरा ही तो है. If you worship me, Jesus, I will give you all the kingdoms of the world. हे यीशु, यदि तू मुझे दंडवत करे, नमन करे, आराधना करे, तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा. Luke's Gospel, 4th chapter, 6th verse tells us. लुका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 6वें पद में बाइबल बताती है. Satan told to Jesus. शैतान ने यीशु से कहा. If you worship me, I will give you all the glory of all the kingdoms of earth. यदि तू मेरा नमन करे, इबादत करे, तो इस संसार का सारा महिमा और राज्य मैं तुझे दे दूंगा. Please read the 6th verse, brother. और उसके 6वें पद को हम यहाँ पर पढ़ेंगे. लिखा है, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं. I will give the glory of these kingdoms of the earth to whomsoever I want to give. और ये सारी वैभव संसार का जो दिखता है, मैं जिसको चाहता हूं उसको मैं दे सकता हूं. If Jesus worshipped Satan, अगर यीशु शैतान की उपासना करता तो then and there itself he could have become the king of the whole planet earth. aur usi samay pure duniya ka wo samrat bankar baith jata. But Jesus thought in his heart, to yeshu ne apne hriday mein socha, I will take these kingdoms of the world, main is sare duniya ko uske sare samrajyo ko le leta hu, but not by worshiping you. I will definitely take over the world by punishing you and binding you. लेकिन तेरी बात को मानकर नहीं, लेकिन सत्य में इस बात को परे होकर पार कर कर मैं इन सब बातों को ले लूंगा दोबारा वापस. Jesus did not worship Satan because He must be worshipped by everyone. यीशु मसीह ने शैतान की कतई आराधना उपासना नहीं किया, क्योंकि यीशु की आराधना स्वयं सब करना था. Satan said, I will give you my throne. शैतान बोल रहा है, मैं अपना राजगद्दी सिंहासन तुझे देता हूं. Jesus said, I don't want it from you. यीशु कहता है, मुझे तो इससे जरूरत नहीं है. I will take the throne from some other time, some other way. मैं अपना सिंहासन किसी और तरीके से, किसी और समय में मैं ले लूंगा. The same Satan now has given over his throne to this cruel person. और यही सिंहासन, ये अधिकार इस दुष्ट क्रूर जानवर बीस्ट को दिया गया है. I will ask you a question. अब आपसे मेरा एक सवाल है. Is Satan such a good and broad-minded person? क्या शैतान इतना विकसित मन वाला और अच्छा है क्या? Why will he give his throne to somebody? वो क्यों अपना सिंहासन किसी और को सौंपेगा? Any prime minister, any MLA, any chief minister, will they call somebody on the road and say, come on, I want to make you the chief minister. Will they do that? कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अधिकारी हो, क्या वो सड़क पे से किसी को भी बुला के बोलेगा, आजा आजा मेरे सिंहासन पर बैठ जा? Satan is a selfish man. शैतान जो है स्वार्थी है. He is a evil person. वो दुष्ट भी है. He will take over from some other hands, but he will never give anything to anybody. वो किसी का हक का तो छीन लेगा, लेकिन अपना कभी भी किसी को नहीं देता है वो. शैतान नीच और कमीनी और कुत्ता है वो. हालेलुया. बदमाश है वो. बदमाश नंबर वन. ही इज एन इविल पर्सन नंबर वन. और वो बदमाश नंबर वन है जी. Then why will he give his throne to somebody? तो फिर वो अपना राजगद्दी सिंहासन किसी और को क्यों देगा? Shall I tell you the secret? क्या आपको रहस्य बताएं? Satan is giving away his authority and power and throne to this person because he is Satan's own son. शैतान अपना अधिकार, साम्राज्य, ताकत, पदवी सब इसलिए दे रहा है क्योंकि वो शैतान का अपना ही बच्चा संतान है. Yes, he is the seed of the serpent. Oh, वो सर्प की संतान या उसका बीज है. So Satan's seed, serpent's seed, serpent's son was Nimrod, and then he died, and he is in the spirit world.
और शैतान या सर्प का जो संतान, उसका जो बीज जो हमने कल देखा, निम्रोद जो था वो मर तो गया, लेकिन वो अभी भी आत्मिक लोक में कहीं तो उसको रखा है। दिस क्रूयल बीस्ट विल कम फ्रॉम द बॉटमलेस पिट। ये क्रूर जानवर, ये बीस्ट उस अधाकुंड में से खोला जाएगा। यू मे बी सरप्राइज, आपको आश्चर्यचकित होगा। बट आई वॉन्ट यू टू सी फॉर योर सेल्फ इन द बाइबल। मैं चाहता हूं कि आप अपने ही बाइबल के अंदर जाके रेवलेशन 11th चैप्टर 7th वर्स, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय का 7वां पद। When they finish giving their testimony, their witness, the beast that comes out of the bottomless pit will kill them. जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अधाकुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। The beast comes from where? अब ये पशु कहाँ से आ रहा है? The पशु comes from the ये पशु कुंड में से, अधा कुंड में से निकल के आ रहा है। द बॉटमलेस पिट, हाँ, अधा कुंड से आ रहा है। या रेवलेशन 17th चैप्टर और प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में अगेन 8th वर्स, उसके 8वें पद को हम देखेंगे। या जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अधा कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। दिस क्रूयल बीस्ट, ये जो दुष्ट पशु, इट वॉज, वो था, बट इट इज नॉट, वो अब नहीं दिख रहा है। He is going to come out of the bottomless pit. वो उस अधा कुंड में से निकल कर आने वाला है। When John the beloved disciple was writing the book of Revelation, प्रभु के प्रिय शिष्य यूहन्ना जब इस प्रकाशित वाक्य को, जो यीशु का था, लिख रहे थे, This cruel beast is not on earth. ये जो दुष्ट पशु धरती पर नहीं था उस समय। It lived earlier. वो पहले जमाने में, सदियों में रहता था। Many centuries ago, this cruel beast lived on earth. कई सदियों पहले ये जानवर, ये दुष्ट रहता था। When John was writing the book of Revelation, that beast is not on earth. जब योहन्ना इस प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था, उस दौरान ये दुष्ट जानवर, ये बीस्ट पशु वहां मौजूद नहीं था धरती पर। But in the last days, he will come again from the bottomless pit. लेकिन अंतिम दिनों में फिर दोबारा अधा कुंड में से निकल कर आएगा। Please remember this. कृपया करके इसको ध्यान से सुनिए। This dictator once upon a time lived on earth. ये जो शासन करने वाले डिक्टेटर एक जमाने में रहते थे। But right now he is not on earth. लेकिन अब वो धरती पर नहीं है। He is in the bottomless pit. वो उस अधा कुंड में है। In पाताल, he is in the bottomless pit. या उस पाताल लोक के एक भाग में है। From पाताल he will come onto the earth once again. अब वो पाताल लोक से या अधा कुंड से धरती पर फिर पधारेगा। The Bible says it in Revelation 11th chapter. Bible हमें प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में बताती है। The Bible says it in Revelation 17th chapter. और Bible 17वें अध्याय में भी इस बात को साबित करती है। He will come from the bottomless pit. वो उस पाताल लोक या अधा कुंड में से आएगा। You know how he will come? अब आपको मालूम है वो कैसे आने वाला है? There will be 10 nation confederation forming the world government. 10 राष्ट्रों का संयुक्त संगठन के अंदर में से वो निकल कर आने वाला है। How many nations? कितने राष्ट्र हैं जी? 10 nations. 10 राष्ट्र हैं। And after 10 nations, they form a one world government. जब 10 राष्ट्र संयुक्त होकर एक सरकार जब बना लेंगे। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं पीछे वाले लोग? Very soon, all the governments in the world will be abolished. बहुत ही शीघ्र दुनिया में दिखने वाली सरकारें मिटते मिटते चले जाएंगे। Some people ask me, who will rule India in the next term? कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं, अगले श्रेणी में कौन भारत पर शासन करेगा? They ask me, will BJP win again? क्या वो पूछते हैं कि बीजेपी दोबारा जीतेगे? Or will Congress win? क्या कांग्रेस जीतेगा दोबारा से?
Or will India team will win? या भारत की कोई टीम जीतने वाली है? I tell them I don't care. मैं कहता हूँ मुझे इससे क्या मतलब? Let anybody win. कोई भी जीतने दो जी. They are my friends. वो तो मेरे मित्र ही हैं. जो जीतेगा वो ही मेरा दोस्त है. Those who win, they are my friends. कोई मेरा दुश्मन नहीं. Because कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है. Nobody is my enemy. God loved the whole world. परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है. And he loved the whole world and all the parties in the world. और सारे दुनिया के लोगों से, पार्टियों से परमेश्वर ने प्रेम किया है. Listen to me. ध्यान से सुनिएगा हमें. Let any party win in the next elections. आने वाले इलेक्शन में चाहे कोई भी पार्टी जीते. It is not going to make any difference. और ये इसमें कुछ बदलाव या कुछ फर्क नहीं है जी. After that, उसके बाद, very soon, बहुत ही शीघ्र, all the political parties and all the political systems and all the governments will be abolished. सारी राजनीति, सारे राजनेता, सारे बातें छिलते मिटते चले जाएंगे. And one world government will come. और एक सरकार का संगठन हो जाएगा. All the 200 countries will have one government. 200 राष्ट्रों के लिए एक सरकार. Like our honorable Prime Minister is saying, one planet and one family. जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे बताते हैं, एक परिवार, एक धरती, एक कुटुंब. He is speaking like a prophet. वो एक भविष्यवक्ता के तौर पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं. He is prophesying the prophecy of the Bible. बाइबल की भविष्यवाणी को वो बोलते हैं. All the mankind will become one kingdom. सब मानव जाति एक राष्ट्र में हो जाएंगे. And 10 nations will come together and form the one world government. और 10 राष्ट्र एकजुट होकर एक सरकार का निर्माण कर देंगे. Why will they form one world government? अब एक सरकार का संगठन क्यों हो रहा है? Let me tell you the fact. मैं आपको हकीकत बताता हूँ. Very soon there is going to be a mighty devastating war in the Middle East. शीघ्र ही खतरनाक तरीके से एक युद्ध लड़ाई उस पूर्व मध्य देश में ठनने वाली है. This war is prophesied in Ezekiel 38 chapter. इस लड़ाई, इस युद्ध के विषय में हेजकेल नबी ने 38वें अध्याय में लिख डाला है पहले से. Russia and their military allies. रशिया से और उसकी सेना उभर कर आएंगे. Russia and Germany and Iran and Libya and all these military allies will make a big army and make a war against Israel. रशिया, जर्मनी, लिबिया इत्यादि राष्ट्रों से जो सेना एक होकर इज़राइल के विरुद्ध में लड़ने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे. The army will be more in number than the population of Israel. और उनकी सेना की तकार इतनी अधिक होगी जितनी इज़राइल की लोगों की जनसंख्या भी नहीं है. Are you listening to me? आप सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ. So many countries invading on Israel. बहुत से राष्ट्र कोशिश कर रहे हैं कि इज़राइल को कब्जा कर ले, काबू में ले ले. Who will help Israel? कौन मदद करेगा इज़राइल को? Nobody will help. कोई भी मददगार नहीं होगा. America will not help. अमेरिका भी हाथ छोड़ देगा. And Britain will not help. ब्रिटेन भी हाथ छोड़ देगा. No other country will help. कोई भी राष्ट्र उनको मदद नहीं करेंगे. Then how will Israel survive? फिर इज़राइल कैसे जिएगा जी? Oh, listen to me carefully. सभी का ध्यान इधर हमारी ओर होने पाए. No country under the sky will come and stand by Israel. कोई भी राष्ट्र इस संसार में जो आकाश के तले है इज़राइल के सामने खड़ा नहीं हो सकता है. But the God of Abraham, Isaac and Jacob will come down and fight the battle for Israel. लेकिन अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर स्वयं इज़राइल के लिए उतर के आके उस लड़ाई को लड़ेगा. When Israel was crossing the Red Sea. जब इज़राइल लाल समुद्र को पार कर रहा था. The Red Sea waters became two walls of water. लाल समुद्र भाग बटा
फट गया और वो एक इमारत की शहर बना की तरह हो गया. And Israel armies they marched through the divided Red Sea. और इज़राइल की सेनाएं उस लाल समंदर को पार करते चले गए. And the cloud of fire stood between Egyptians and Israelites. और अग्नि स्तंभ इज़राइलियों को उनकी सुरक्षा के लिए फिरौन की सेना के विरुद्ध में खड़ी हो गई. From the pillar of fire the Lord Jehovah just saw the chariots of Egyptian. और उस आग के खंभे में से ही और मिस्र के सेना के रथों को केवल देखा ही मात्र. And the wheels were separated from the chariots. और उनके घोड़ों की रथों की जो पहिए हैं वो खुलकर फट गए, बिखर गए. You know what the Egyptian said? आपको मालूम है मिस्रियों ने क्या कहा? Oh, let us run away, let us go back. Oh, आइए हम चलिए, थोड़ा पीछे चलते हैं. Oh, no, they said, let us go back. हाँ, हम पीछे जाएंगे, पीछे चलेंगे. Because their God is fighting the battle for them. क्योंकि उनका परमेश्वर स्वयं उनकी लड़ाई को लड़ रहा है. Exodus 14:25. निर्गमन उसका 14वें अध्याय का 55वें वचन में. Egyptians said. मिस्रियों ने कहा. Let us run away from Israel. ओ इज़राइल के सामने से भाग चलो. Jehovah is fighting the battle on their behalf. यहोवा आप ही उनकी लड़ाई को लड़ रहा है. The God of the Bible is a wonderful God. बाइबल का परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है. He not only forgives our sins. केवल हमारे पापों की क्षमा ही नहीं करता है. He not only heals us. केवल हमें चंगाई ही नहीं देता है. He not only provides all our needs. इतना ही नहीं कि हमारी जरूरतों का आवश्यकता को पूरा करता है. When the need arises. लेकिन हमारी जरूरतें जब आती हैं. He will also become the man of war. और जब वो लड़ाई की बात भी हो तो वो हमारे लिए लड़ भी लेता है. And he fights the battle on the behalf of his children. और हमारे बच्चों के लिए भी वो हमारी तरफ से उस लड़ाई को लड़ लेता है. Jehovah God fought the battle with Egyptians. यहोवा परमेश्वर ने ओ मिस्रियों के खिलाफ इसराइल की ओर से लड़ाई को लड़ लिया. The same God will come down again. और यही परमेश्वर फिर दोबारा उतर आएगा. In the book of Ezekiel 38th chapter. यज़कील की किताब 38वें अध्याय में. He says, I will bring Russia and his friends to fight against Israel. ओ वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मैं रशिया को और उनके मित्रों को इज़राइल के विरुद्ध में लड़ने के लिए लेके आऊंगा. God will instigate Russia to come to war against Israel. और परमेश्वर इस बातों को करेगा कि रशिया इज़राइल के विरुद्ध में लड़ने के लिए आ जाए. Why will God do this? क्यों परमेश्वर ऐसा करना है? Why will God call Russia to come and war against Israel? क्यों परमेश्वर रशिया को इज़राइल के खिलाफ में लेके आ रहा है? Because he wants to show himself once again as the man of war. क्योंकि परमेश्वर अपने आप को साबित करने चाहता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो युद्ध को लड़ाई को लड़ता हूं और जीतता हूं. He wants to once again fight the battle for Israel. इज़राइल के लिए एक और बार उस लड़ाई को लड़ना चाहता है. Russia will come with his military allies to invade Israel. रूस अपनी सेना और मित्रों को लेकर चढ़ाई करने के लिए इज़राइल के ऊपर आ जाएंगे. That day Jehovah will fight the battle. उस दिन यहोवा उनकी लड़ाई को लड़ेगा. Let us look into the book of Ezekiel 38th chapter. Ezekiel 38वें अध्याय को हम देखेंगे. He says in the fourth verse. और उसके चौथे वाक्य में लिखा है. Please read. मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंखड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी अर्थात घोड़ों और सवारों को जो सबके सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है जो फरी और ढाल लिए हुए सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे और उनके संग फारस खूश और फूत को जो सबके सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे और गोमर और उसके सारे डलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों को के तो मुर्ग के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा. God says in this chapter. और परमेश्वर इन वाक्यों में इन वचनों में I shall bring all these nations to fight a battle with Israel. मैं इन तमाम राष्ट्रों को इज़राइल के विरुद्ध में चढ़ाई के लिए लड़ाई के लिए लेके खड़ा करूंगा. Why does God do this? क्यों परमेश्वर ऐसे करना है?
On that day, और उस दिन 18th verse tells us, 18वें पद में बाइबल बताती है, the wrath of God Jehovah shall be kindled, और परमेश्वर की जलजलाहट की अग्नि जल जाएगी, the wrath and anger of God Jehovah is kindled, परमेश्वर का क्रोध की आग वो लौट रही है, from the pillar of fire, और उस अग्नि स्तंभ में से, God looked at the armies of Egypt. परमेश्वर ने मिस्र की सेनाओं को देखा. Now God will look angrily unto all these armies. और परमेश्वर इन तमाम सेनाओं को भी देखेगा. See, it is wonderful when you see God at battle. देखिए, ये बहुत ही अद्भुत बात है जब परमेश्वर को आप स्वयं युद्ध की रणभूमि में, क्षणभूमि में देखते हैं. God uses seven weapons to fight these armies. परमेश्वर सात हथियारों का उपयोग करता है इस सेना के विरुद्ध में वो लड़ सके. No machine guns. कोई मशीन गन नहीं है जी. No swords. कोई तलवार भी नहीं है. No missiles. कोई मिसाइल भी नहीं है. God Almighty doesn't require any weapons. सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कोई भी इस प्रकार के हथियार की जरूरत नहीं है. God will use seven weapons against the armies of Russia. परमेश्वर अपने उन सात हथियारों को रशिया और उनके आर्मियों के विरुद्ध में करेगा. The first weapon is the big major earthquake. और पहला जो हथियार है बड़ा भूकंप हो जाएगा. When all the lakhs of army they come to fire against Israel. जब लाखों सेना उस इज़राइल के विरुद्ध में चढ़ाई के लिए, अमले के लिए आएंगे. The earth between beneath their legs, their feet begins to shake. और उनके पैर के तले जो धरती है वो कांपने और हिलने लगेगी. When the earth is quaking and shaking, can you fire bullet against somebody? अब जब मान लीजिए धरती माँ ही हिल रही है तो क्या बंदूक धंदूक सब चला सकते हो क्या? That is the weapon of God. यही तो परमेश्वर का हथियार है. The second weapon of God. दूसरा परमेश्वर का जो हथियार है. Everyone will go insane. हर कोई पागल हो जाएगा. And the commander in chief comes. Fire against Israel. और कमांडर बोल चीफ बोलेगा इज़राइल को गोली मारो. All the soldiers will become पागल suddenly. हाँ, तुरंत सारे सेना भौंकला जाएंगे. And they will turn the gun toward the fellow soldier. हाँ, वो बावला होकर अपने सहमित्री की ओर बंदूक तान कर. All the Russian armies they will fire the bullets against each other. हाँ, सारे रूस की आर्मी अपने ही सहमित्रियों को बंदूक चलाकर. Yeah, that's what 38th chapter tells us. हाँ, यही तो 38वें अध्याय में हम देख रहे थे. 21 उसके 21वें पद में परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है. Everyone's sword will fall upon his brother. कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए कि उनके भाइयों के विरुद्ध में वे उठेंगी. Everyone fires the bullet towards his other fellow soldier. हाँ, उनके अपने ही भाइयों के विरुद्ध में अपने ही हथियार को उपयोग कर रहे हैं डर मारने के लिए. they will kill each other. हाँ, एक दूसरे को वो मारना शुरू कर देंगे. That is the weapon of God. यही तो परमेश्वर का हथियार है. The third weapon. तीसरा जो हथियार है. It is pestilence. और वो है महामारी. You know what happens? आपको मालूम है क्या होगा? When the commander says attack. जब कमांडर बोलेंगे हमला बरसा दो. Suddenly he says, I have stomach upset. हाँ, तुरंत वो बोलेंगे पेट में थोड़ा दिक्कत है, गड़बड़ है. अभी आऊंगा मैं, जरा मेरे पैखाने लगने. अभी आ रहा हूं मैं, जरा संडास में जाके आऊं. That is the weapon of God. यही तो परमेश्वर का हथियार है. It is wonderful when you see God fighting the battle. ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर जब अपनी लड़ाई को लड़ने लगे. All the guns and missiles become useless when God is the man of war. सारे हथियार, सारे गन पन सब बंद हो जाते हैं जब परमेश्वर स्वयं युद्ध का योद्धा हो. The wheels of the Egyptian chariots were separated from the chariots. मिस्रियों के रथों की पहियें अलग होके थड़ हो जाते हैं. How can they chase Israel? कैसे इज़राइल का सामना कर सकते हैं? The chariot cannot go ahead. ओ, जब रथ ही आगे ना बढ़े तो. The wheels are gone. हाँ, पहियें इधर उधर हो गए. Just by a gaze of God. केवल परमेश्वर की एक नजर में ही ये हो गया. Yes, नजर से पूरा वो व्हील्स निकल. हाँ, एक नजर में ही, नजरिए में ही वो पहिए दो भाग हो गए.
Men think they are very great because they created missiles and guns and all. उनको बड़ा लगता है कि उन्होंने हमले के लिए मिसाइल यंत्र बनाए हैं. All the military ammunition and missiles and different kind of weapons are strong and big before human beings, not before Jehovah. मनुष्य के नजरों में नजरिए में सारे हमले के जो हथियार है वेपन्स है तलवार है कुछ भी है वो उनको बड़ा लगता है लेकिन परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है. And the fourth weapon of God. और परमेश्वर का चौथा हथियार. When they want to attack on Israel. जब वो इज़राइल पर हमला चढ़ाई करना चाहेंगे. There is a very big mighty rain on them. और उन पर एक बड़ा बरसात होना शुरू हो जाएगा. In the rain, you see, they cannot make the air warfare. हाँ, अब देखिए, जब बरसात ही हो रही हो, तो हवा में कौन सा हमला तीर चलाने वाले हैं? And the fifth weapon is. और पांचवा जो हथियार है. Big hailstone will fall upon their heads. और बड़े ओले और आग उनके सरों पर गिरने लग जाएंगे. When they want to fire the missile. और जब वो मिसाइल चलाने के लिए तैयार होंगे. Such a big hailstone will fall upon his head. हाँ, बड़ा सा ओला आग से भरा हुआ उनके खोपड़ी में गिर जाएगा. The commander in chief says, attack. कमांडर आर्मी का चीफ बोलेगा हमला. Suddenly a stone falls on the head. He is बेहोश. हाँ, तुरंत उसके सर पर आग का ओले का वो गिरेगा और वो बेहोश. एंड देयर इज अनदर वेपन. और एक और हथियार है जी. फायर एंड ब्रिमस्टोन. आग और गंधक बरसाऊंगा. व्हाट गॉड हैड शावर्ड अपॉन सोडम एंड गोमोरा. जैसे परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा के ऊपर बरसाया. गॉड विल रेन द हेलस्टोन and fire and brimstone on the Russian armies. परमेश्वर रूस और उनकी समय मित्र सेनाओं के ऊपर ओले और आग और गंधक बरसाएगा. And these are all the weapons of God. ये सबे परमेश्वर के दंड देने वाले हथियार है. And 39 and 6th verse. और 29 के छठवें पद में बाइबल बताती है. All the countries who sent their armies against Israel. और जितने भी राष्ट्र जो अपनी सेना को इज़राइल के विरोध में भेजेंगे. God will send fire upon the respective countries. परमेश्वर उनके अपने अपने राज्यों में देशों में आग बरसा देगा. Germany will send the army to Israel. जर्मनी अपनी सेना को भेजेगा इज़राइल के विरुद्ध. And there is fire in Germany. और जर्मनी में आग होगा. And there is fire in Iran. और ईरान में आग होगा. There is fire in Moscow and Tobolsk and in Russia. मॉस्को Tobolsk रूस के इत्यादि जगहों में भी आग बरसेगा. All the countries will face the fire accidents. सारे राष्ट्रों के अंदर में फायर एक्सीडेंट आग का दुर्घटना होगा. And hundreds of thousands of army soldiers will die on the mountains of Israel. और इज़राइल की उस पहाड़ के चोटी के इर्द गिर्द बहुत से सेना सिपाही मरकर गिर जाएंगे. I am not telling you an imaginary story. मैं कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक कथा कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको. I pray to God that God will bless each one of you with long life. मैं प्रार्थना यही करता हूँ कि आप सभी को परमेश्वर लंबी उम्र से नवाजे. And when you live a long life. आमीन. तो बोला नहीं. जब आप लंबी जीवन को जिएंगे. Within few more years. कुछ और समय के सालों के बाद. You are going to read in the newspaper headlines that the Russian army has invaded Israel. आप अखबारों में इन खबरों को देख पाएंगे कि रूस की सेना ने और उसके ऊपर चढ़ाई कर लिया है इज़राइल के ऊपर. If any one of you don't want to believe the God of the Bible. यदि आप में से कोई भी बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो. Anyone, if you think Bible is a humanly written book. यदि आप में से किसी को लगता है कि किसी मनुष्य के द्वारा बाइबल लिखी गई है तो. If you think that Jesus is an ordinary man. यदि आपको लगता है कि यीशु एक साधारण मनुष्य था. If you don't want to receive Jesus as your God and Savior. यदि यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो. It's all right. You right now don't receive Jesus. हाँ, ये सब लिखा हुआ है, आपको अपनाने की जरूरत नहीं है. Right now you don't believe in Jesus. अभी आप यकीन मत कीजिए जी. But wait few more years. लेकिन कुछ और साल इंतजार करके बैठे रहना. After few more years. कुछ और साल के तत्पश्चात. Maybe in my estimate it may be 15 years, 10 to 15 years. अब मेरा कुछ हिसाब किताब ऐसा है, मेरे को लगता है कि शायद 15 से
20 साल के बाद keep on reading the newspaper every day. हर रोज अखबार लेकर बैठ के पढ़ते रहिएगा. One fine morning suddenly you will find these headlines. अचानक एक सुबह की भोर को अखबारों में खास आज की खबर. Russia, Iran and Germany and Libya together formed a big military alliance and they invaded Israel. रूस, लीबिया इत्यादि मित्र राज्यों ने मिलकर संगठन बनाकर इसराइल के विरुद्ध में चढ़ाई करने के लिए वो तैयार है सेना. बाइबल प्रोफेसर्ड दिस, बाइबल फोरटोल्ड दिस 2500 years back. बाइबल पहले से ही 2500 साल पहले इस बात को, इस खबर को बाइबल में लिखकर रख दिया है, हमें दे दिया है. Do human beings know the future? क्या मनुष्य भविष्य को जान सकता है? Do you know what happens tomorrow? क्या आपको कल के बारे में पता है? Do you know what happens the next moment? कल तो छोड़ो, अभी क्षण भर में क्या होगा आपको पता We है? We don't know the future. हमें भविष्य नहीं पता. Do you know when I will finish this message? आपको ये पता है कि हम संदेश कब समाप्त करने वाले हैं? Nobody knows. किसी को भी नहीं पता है जी. Only God knows. परमेश्वर ही जानता है. See how timely it was. देखिए समय का, समय के बाद है ना. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, James told us, you do not know what happens tomorrow. याकूब इस बात को कहता है कि कल के बारे में हमें नहीं मालूम कि क्या होगा. Then how can Ezekiel tells us what happens 2500 years later? फिर कैसे यजकेल नबी बता सकता है जो 25 साल पहले उसने जो लिख डाली, 2500 साल. Of course, you can't even say what happens after 25 rows. Not even 25 minutes. 25 minute के बारे में भी हम नहीं बोल सकते. 25 रोज तो बात की बात है. 25 मिनट के बाद मैं खत्म करूंगा या नहीं करूंगा को किसको मालूम है? Amen. किसी को नहीं मालूम. किसी को नहीं पता कि प्रचार कब समाप्त होगा या वो बातें कब होंगी. See, we don't know the future. भविष्य नहीं मालूम है. But God knows the future. लेकिन परमेश्वर भविष्य को जानता है. God knows what will happen tomorrow. परमेश्वर कल क्या होगा इस बात को जानता है. God knows what happens after 100 years. परमेश्वर 100 साल बाद क्या होगा वो भी जानता है. God knows what will happen after 2000 years. और 2000 साल बाद क्या होगा वो भी परमेश्वर जानता है. And God has recorded in the Bible the future history of the world. और परमेश्वर ने पहले से ही भविष्य का इतिहास की खबर को लिख डाला है. No other religious book under the sky, no other religious book on the face of earth has fulfilled prophecies. और कोई भी ऐसा धर्मशास्त्र या ऐसे कोई भी लोग नहीं बता सकते जो आकाश के नीचे धरती के ऊपर है, जो पहले से ही जो भविष्यवाणियां पूरी होंगी उसके बारे में किसी ने अगर लिखा है तो बता दो. Only the Bible has prophecies fulfilled. केवल बाइबल की भविष्यवाणियां ही पूरी हो रही है आज भी. Few years back, I had a public debate with a Muslim scholar. कुछ सालों पहले पीछे कुछ मुसलमान भाइयों के साथ में एक डिबेट हो गया. His name is Brother Imran. और उस भाई का नाम था भाई इमरान. You have that debate on the internet. हाँ, वो डिबेट, वो वार्तालाप इंटरनेट यूट्यूब पे आपको मिलेगा. It is in English. वो अंग्रेजी में है जी. Brother Imran knows only English. भाई इमरान को अंग्रेजी ही आता है. Of course. Arabic also. हाँ, अरबिक भी उसको आता है. But Telugu he doesn't know. It is लेकिन तेलुगु नहीं आता है, वो तो अलग so बात. I debated in English. तो मैंने अंग्रेजी में ही उनके साथ डिबेट किया. The topic was, और शीर्षक जो था, is Bible the word of God or is Quran the word of God? क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है या कुरान परमेश्वर का वचन है? It was my point that Bible is the word of God. और मेरा जो पॉइंट था कि वचन बाइबल ही खुदा का वचन है. I said, मैंने कहा in the very outset of the debate, और उसी बैठे हुए लोगों के ही सामने कहा, brother, you can keep on debating and arguing for hours together. भाई आप मेरे साथ बैठकर घंटों घंटों बैठकर वार्तालाप करते रहो. But I will finish this debate within 5 minutes. लेकिन मैं इस डिबेट को 5 मिनट में खत्म करके जा रहा हूँ. I believe the Bible alone is the word of God. मैं इस बात का विश्वास करता हूँ कि पवित्र शास्त्र बाइबल ही एकमात्र परमेश्वर का वचन है. Because no human
human being knows the future. क्योंकि कोई भी मनुष्य भविष्य के बारे में नहीं जान सकता है, नहीं जानता है. The Bible told prophecies, hundreds of prophecies. लेकिन बाइबल ने जो हमें बताई ऐसे 100 से अधिक भविष्यवाणियां, which were exactly fulfilled after hundreds of years and even thousands of years. 100 साल के बाद भी, हजारों साल के बाद भी, आज भी ये भविष्यवाणियां पूरा होते रही है. Show me any such fulfilled prophecies in any other so-called holy book. या नाम मात्र, नाम कहने के लिए ऐसे धर्म की किताब में दिखा दो भाई, कौन सा ऐसा भविष्यवाणी है जो पूरा हो रहा हो उनका. If you show me such fulfilled prophecies in Quran, I will also believe that is the word of God. कुरान के अंदर में भी पूरा होने वाली ऐसी कोई भविष्यवाणी है तो दिखाओ, मैं भी कुरान को मानूं. Every holy book says what happened long back. सारे पवित्र जो ग्रंथ हैं वो पहले क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, उसके बारे में बताते हैं. Such a thing happened many years ago. हाँ, ये सालों पहले ऐसे हुआ था. God need not say that. Any news reporter will tell you that. हाँ, परमेश्वर तो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, वो कोई तो न्यूज रिपोर्टर भी बताया होगा. Yeah, see, one who talks about the past is the news reporter. हाँ, जो पीछे काल में जो हो गया वो बताने वाला न्यूज रिपोर्टर ही तो है. But the one who will tell you the future is God. हाँ, लेकिन आने वाला भविष्य के बारे में बताने वाला वो परमेश्वर है. अब तक में आपका स्वागत है. So God of the Bible is the true God. इसलिए बाइबल का परमेश्वर सत्य परमेश्वर है. And God of Israel is the true God. और इज़राइल का, बाइबल का परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है. Now today the whole world is mocking against the God of Israel. और आज दुनिया भर के लोग इज़राइल के परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं. The whole world is mocking, laughing against the God of the Holy Bible. सारे जगत के बड़े-बड़े लोग बाइबल के परमेश्वर को मजाक उड़ा रहे हैं. God said, I will teach you a lesson. परमेश्वर कहता है, अब मैं तुमको एक पाठ सिखाऊंगा. I will show you that I am the true God. अब मैं दिखाऊंगा, साबित करूंगा कि मैं ही तो सत्य हूँ. I will prove that the God of Israel is the God of creation. और इज़राइल का परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, साबित करूंगा. I will show you that the God of the Bible is the supreme God. और बाइबल का परमेश्वर ही सुप्रीम, बड़ा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दिखाऊंगा. So he will tell Russia. He will tell Russia. तो वो रूस से कहेगा. Oh Russia, you go with your friends and make a war with Israel. हाँ, रूस जाओ अपने मित्रों के साथ में लेकर, ओ खिलौने को लेकर जाओ लड़ने के लिए. Come on, make a battle with Israel. हाँ, जाओ जाओ इज़राइल के विरुद्ध में लड़ो. And I will show you who I am. फिर मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूँ. And hundreds of thousands of soldiers will come. और लाखों हजारों सिपाही सेना वहाँ पर आएंगे. And suddenly they become insane. They lose their mind and kill each other. अचानक से उनको बावले हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, एक दूसरे को ही मारने लग जाएंगे. There is earthquake. फिर वहाँ पर भूढ़ोल हो जाएगा. There is a hailstone. फिर वहाँ पर ओले बरसने लगेंगे. Fire and brimstone. फिर आग और गंधक से और ओले वहाँ पर गिरेंगे. And all these are the weapons of the Lord. ये सब परमेश्वर यहोवा के हथियार हैं. And you know how many people die? और आपको मालूम है कितने लोग मरने वाले हैं? All the armies of Israel will take 7 months to bury the corpses. और वहां पर इज़राइल के जितने भी सेना होंगे 7 महीने ले लेंगे कि उनको सारे लाशों को ठिकाने करने. Look into the 39th chapter. 39 chapter को हम जब देखते हैं. Please see how many months they bury. और हम वहां पर देखेंगे कि कितने महीने उनको लगेंगे कि 12th वर्ष लाश को टिकाने के लिए. वो 12वें पद में हम पढ़ेंगे, इज़राइल का घराना और इज़राइल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे. क्रोर्स ऑफ इज़राइल पीपल, करोड़ों इज़राइली लोग. Every day they keep on burying the dead bodies of Russian soldiers. और रूस की सिपाहियों के सेना के उस लाश को ही ठिकाने लगाते रहेंगे हर महीने. Seven months. 7 महीने का समय. So many lakhs of soldiers die. कितने लाखों सेना मरेंगे. Then what happens? फिर क्या होता है? People of the whole world will raise a demand. फिर सारे विश्व के लोगों की एक ही विनती, एक ही निवेदन होगा. Oh, what a devastation. Oh, ये कैसा
दुर्घाम है ये. What a human calamity. ओ ये मानव जाति पर कैसा प्रभाव पड़ा है. We don't want any more wars in this world. अब इस दुनिया में हमें लड़ाई नहीं चाहिए. All the leaders of the nations of the world. सारे दुनिया के जितने भी अगुए होंगे. Please give us a world without any war. अब हमें ऐसा दुनिया दे दो जहाँ पे कोई लड़ाई ना हो. We want a world where war is not possible. अब ऐसे समय में है कि वहाँ पर लड़ाई ना हो, ऐसा समय हमें चाहिए. I'll raise a question. अब एक सवाल आपसे. If war should take place, what is the minimum necessity? अगर एक लड़ाई, एक युद्ध छिड़नी है या ठन्नी है तो कितना क्या जरूरत है पहले ये बताओ. What do you need in order to take up a war? या एक लड़ाई को छेड़नी है तो क्या करना पड़ता है. Swords, तलवार, bombs, हड्डी, missiles, मिसाइल. What is the basic necessity if you want to have a war? आप बताइए कि क्या सबसे साधारण सी बात क्या चाहिए होती है लड़ने के लिए. First of all, there should be two governments. पहली बात तो वहाँ पर दो सरकार होनी चाहिए. As long as there are two governments, they will fight each other. जब तक दो सरकार होंगी वो आपस में ही भिड़ते रहेंगे. Suppose there is only one government in the whole world. अब मान लीजिए पूरे विश्व में एक ही सरकार हो. With whom will they make a battle? फिर किससे वो अब लड़ेंगे? Battle is impossible. लड़ाई संभव नहीं है जी. There cannot be any war. हाँ, वहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं होगा. Because there are so many dead bodies around Israel. क्योंकि इज़राइल के इर्द-गिर्द इतने लाशें पड़ी हुई हैं, बिछी हुई हैं जी. People are terrified. लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे. On that day, the whole world will know that the God of Israel is the supreme God. और उस दिन विश्व के सारे लोग जान जाएंगे कि इज़राइल का परमेश्वर ही एकमात्र सुप्रीम बड़ा परमेश्वर है. Ezekiel 38 chapter last verse please. Ezekiel 38 के आखिरी वचन को जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है. Please read out brother. इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं. बिफोर ऑल द जेंटाइल नेशंस, जितने भी अन्य जाति लोगों के. बिफोर ऑल द पेगन पीपल, जितने भी जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग. बिफोर ऑल द पीपल हु वर्शिप फॉल्स गॉड्स, झूठे भगवानों के, ईश्वरों की उपासना करने वाले. द लॉर्ड यहोवा विल प्रूव हिमसेल्फ टू बी द रियल गॉड. यहोवा परमेश्वर अपने आप को साबित करेगा कि मैं ही वो एकमात्र सत्य हूं. हालेलुया, 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 हालेलुया. रशिया इज एन एथिस्टिक कंट्री. रशिया एक एथिस्ट नास्तिक देश है. एंड ईरान इज एन अरब कंट्री. और ईरान जो है अरब देश है. द एथिस्ट और जो नास्तिक. एंड द अरब्स और अरबी लोग. एंड अदर कंट्रीज और दूसरे राष्ट्र से लोग. They will all understand that the God of Israel, Jehovah, is the one and only true God. वे सब इस बात को समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि इज़राइल का परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा जिंदा खुदा खुदा यहोवा है. Even the viewers of this video on the internet. और यहाँ तक कि इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले इंटरनेट के वासियों. Take this message seriously. इस संदेश को गंभीर तरीके से ले लो. Wait for this battle to take place. इस युद्ध के लिए इंतजार कर लो. It will surely happen. ये जरूर होगा. When this happens, जब ये होगा, then know that God of the Bible is the real God. तब जान लेना कि बाइबल का परमेश्वर ही सच्चा, जिंदा, एकमात्र परमेश्वर है. At least then receive Jesus Christ and be baptized in the waters. इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जान लो, अपना लो, पानी में डुबकी का बपतिस्मा ले लो. What happens later? फिर अब क्या होगा बाद में? There's a big devastating war. फिर एक बड़ी लड़ाई ठन जाएगी. Hundreds of thousands of people die. सौ सैकड़ों हजारों लोग अपनी जान गवा देंगे. Devastating earthquake. और फिर खतरनाक तरीके से भूगड़ोल. Rain of fire and brimstone. आग गंधक से भरे हुए ओले की बरसातें. Unimaginable and unprecedented destruction. कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी दुर्घटनाएं हो जाएंगी. People say, no, 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 we don't want wars anymore. लोग बोलेंगे नहीं नहीं रहने दो, बस करो जी, अब लड़ाई नहीं चाहिए.
They say we want one world government. वे बोलेंगे हमको एक सरकार दे दो. Who can form the one world government? कौन एक संयुक्त सरकार का निर्माण कर सकता है? I am prophesying on the authority of the Bible. बाइबल के अधिकार से मैं नबुवत करता हूँ. America will be also destroyed very soon. अमेरिका भी शीघ्र ही नष्ट होगा. America will not be in a position to help Israel. America भी इस स्तर पर नहीं होगा कि वो इज़राइल की मदद कर पाए. And European common community also will become powerless. और यूरोप की जितनी भी कम्युनिटी है वो भी हथियार बंद हो जाएंगे. No country is able to form a world government. कोई भी एक संयुक्त एक राष्ट्र नहीं बना पाएंगे. So 10 Arab nations will become an Arab League, a new league, new confederation, they will form one world government. तो 10 अरबी राष्ट्रों से संगठित एक फेडरेशन, एक संयुक्त सरकार का प्रबंध निबंध वो कर लेंगे, बना लेंगे. And suddenly there is an announcement in the TV and in the newspaper. और पत्र समाचारों में, टीवीओ में, अखबारों में सब यही खबर आएगा. We the 10 Arab nations are forming a world government. Anybody wants to oppose, we will send our troops to fight against. हाँ, हम 10 अरब राष्ट्र के लोग, एक संयुक्त एक राष्ट्र हम 10 लोग बना रहे हैं. कोई हमारे विरुद्ध में खड़ा होगा तो हम अपनी सेना भेजेंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे. People welcome that government. हाँ, लोग उस सरकार का Nobody will oppose. कोई भी खिलाफ जाएगा ही नहीं. We have been waiting for this. हाँ, इसी के लिए तो हम इंतजार कर रहे थे. Welcome, sir. आइए सर, आपका स्वागत है. Please rule the world. हाँ, संसार पर शासन कीजिए. So there is peacefully established one world government. तब शांतिपूर्वक एक संयुक्त सरकार का राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा. After 3 or 4 months, और उसके 3 या 4 महीने के तत्पश्चात the 11th country will apply for membership in the confederation. 11वां राष्ट्र उस कॉन्फेडरेशन के संयुक्त के अंदर में जुड़ने के लिए अपनी सूची पत्री एप्लीकेशन जमा कर देगा. I am telling you the tomorrow's history. मैं आपको आने वाले कल का इतिहास बता रहा हूं. Then 3 countries will oppose this 11th fellow. Three countries will oppose this 11th fellow. 3 राष्ट्र इस 11वें बंदे का विमुख हो जाएगा. After we established successfully this one world government, now you are coming. और हमने बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक सरकार का नियुक्ति कर दिया है, अब आ रहे हो तुम लोग. So we don't want you to become the member. इसलिए हमें सदस्यता नहीं चाहिए. 3 people, 3 countries oppose. 3 राष्ट्र विरुद्ध में हो जाएंगे. 7 countries admit that fellow. 7 राष्ट्र उस बंदे को अपना लेंगे. There is a war. वहां पर एक युद्ध होगा. In the war. और उस युद्ध में. Listen to me. अरे सुनिए ना हमें. In the war. उस युद्ध में. The 11th king will die. 11वां राजा मर जाएगा. The 11th king will die in the war. और उस युद्ध में 11वां बंदा राजा बन मर जाएगा. Even for a short time, he is a world leader. कुछ समय के लिए भी वो एक world leader तो होगा. So his dead body is going to be buried with all military respects. और उसके शव शरीर को बड़े ही आदर पूर्वक सम्मान के साथ military वहाँ पर देगा. Every home all over the world will watch the dead body of that king. और उस राजा के मरे हुए मृत शरीरों को हर घर में बैठे हुए हर लोग उसको देखेंगे. The dead body is displayed. Everyone goes and sees the dead body. और जो कोई उसको देखना चाहता है उसको उसके लिए वहाँ पर display body हो जाएगा. On the 4th day. और चौथे दिन. Not the 3rd day. तीसरे दिन नहीं है. On the 4th day. सुन रहे हैं, चौथे दिन. On the 4th day. चौथे दिन. They're about to bury the dead body. और वो जब उसको दफनाने को चलेंगे. Suddenly the dead body will open the eyes. अचानक से मरे हुए शव शरीर की आंखें खुल जाएंगी. He will get up and sit up. और वो उठकर बैठकर बैठ जाएगा. He will jump from that box. और उस बक्से में से बाहर आ जाएगा. He will announce. और वो घोषणा करेगा. Oh people of the earth. ओ धरती वासियों.
I conquered death. मैंने मौत को जीत लिया है. I am God. मैं ईश्वर हूँ. 2000 years back. 2000 साल पहले. Christians propagated that Jesus rose from the dead. मसीह लोग इस बात को बड़ा बोल रहे थे कि हाँ यीशु मसीह जी. No one saw. जी उठा लेकिन किसी ने देखा नहीं था. That's only a cock and bull story. हाँ वो तो बस इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं. But millions of people have seen me coming back from the dead. लेकिन देखिए लाखों लोगों ने मुझे देख लिया कि मैं मौत में से वापस आ गया हूँ. I am the true God. मैं ही तो सच्चा परमेश्वर ईश्वर हूँ. Worship me. मेरी उपासना करो. Otherwise, I am going to kill you. नहीं तो मैं मार दूँगा. How does this happen? ये कैसे संभव है? How can the dead body live again? कैसे मृत शरीर जी उठ सकता है? The human soul of the dead body has gone into hell. और वो मनुष्य का जो प्राण है उस नरक में जा चुका है. The real dead man will not be resurrected. वास्तविकता में वो मरा हुआ व्यक्ति जी नहीं उठ रहा That's है. That's a drama. ये सब एक दिखावा है, ड्रामा है जी. द ह्यूमन स्पिरिट ऑफ द किंग हैज गॉन. और उस मनुष्य का राजा का जो आत्मा है वो चला गया है. फ्रॉम द बॉटमलेस पिट निम्रोद स्पिरिट विल कम एंड एंटर द बॉडी. फिर वो अथाह कुंड में से, पाताल लोक में से निम्रोद की दुष्ट भ्रष्ट आत्मा आ जाएगा उसके अंदर. दैट इज व्हाई बाइबल सेज The beast will come out of the bottomless pit. इसलिए बाइबल बताती है कि उस दुष्ट का जो आत्मा है उस अथाह कुंड में से निकल कर आ रहा है वो पशु. I am telling you that 11th kingdom is Syria. मैं आपको बता दूं वो 11वां राष्ट्र और कोई नहीं सीरिया होगा. In the month of November, my English book about the end of the end times, it will be published. November के महीने में और मेरा जो अंग्रेजी किताब है उसका publish हो जाएगा. You will know what will happen in the end time. और आपको मालूम पड़ जाएगा कि अंतिम दिनों में और क्या होने वाला है. Syria will be the 11th kingdom. सीरिया वो 11वां राष्ट्र होगा. And the king of Syria will be killed in the battle. और सीरिया का जो राष्ट्र है उस युद्ध में हार जाएंगे. Nimrod spirit will come into the body. Of the king of Syria. निम्रोद की वो दुष्ट आत्मा उस शरीर में उसमें आ जाएगा. So the whole world will worship this beast. तो सारे संसार के लोग इस पशु की उपासना आराधना करेंगे. Revelation 13th chapter. प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय. Please look into the fourth verse. और उसके चौथे वाक्य को हम देखेंगे, वचन को देखेंगे. लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था. या थर्ड वर्स. मैंने, तीसरे वचन से पढ़ रहे हैं, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है. फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले. Even atheists, they're amazed, they're surprised. And they worship the beast. Atheists also say he is the God. यहाँ तक कि नास्तिक लोग भी इतने घबरा गए होंगे, डर गए होंगे. हाँ, वो बोलेंगे नहीं, यही पशु ही तो है, इसकी इबादत करो. Because that is such a big miracle. Jesus is said to be resurrected on the third day. क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार किया है ना, क्योंकि यीशु मसीह भी बोल रहे थे मैं तीसरा दिन जी उठा हूँ. He takes one extra day. हाँ, जब उसमें डिटेल स्टडी हुआ ना, एक्स्ट्रा डे. हाँ, उसमें एक्स्ट्रा दिन मैंने जोड़ दिया है. तीन दिन को और एक दिन ज्यादा लिया. हाँ, तीन दिन में एक और दिन आगे बढ़ा दिया है. फोर्थ डे ही इज रिजरेक्टेड. चौथे दिन में वो पुनरुत्थित हुआ है. नॉट रिजरेक्टेड. पुनरुत्थित नहीं है जी वो. There's a नाटक, there's a drama. ये एक नाटकीय रूपांतर ड्रामा है. And when the Nimrod's spirits come into the Syrian king's body, फिर निम्रोद की आत्मा इस सीरियन राजा के शरीर में जब घुस जाएगा, Satan knows this is my own son, he says. Satan बोलेगा ये मेरा अपना ही बीज, मेरा अपना ही पुत्र है, बेटा संतान है. Because that person is Satan's own son, क्योंकि give the throne to that person. ये शैतान स्वयं ही अपने बेटे को, अपने उसको सिंहासन और राजगद्दी अधिकार दे रहा है. Now God only knows the future. अब परमेश्वर ही भविष्य को जानता है. God revealed me the future. परमेश्वर ने वो भविष्य मुझे प्रकट किया. That is why they call me a prophet. इसलिए तो हमें भविष्यवक्ता कहते हैं.
हैं। यू नो द फ्यूचर गॉड रिवील टू मी। आपको मालूम है कि कौन सा भविष्य परमेश्वर ने हमको प्रकट किया। आई एम गोइंग टू फिनिश द मैसेज इन 5 मिनट्स। मैं इस संदेश को 5 मिनट में रोकने वाला हूँ। See how the prophet is accurate. देखिए भविष्यद्वक्ता कितना accurate है, स्पष्ट है, सटीक है। Now I am raising the question. अब मैं सवाल उठाता हूँ आपके लिए। Everyone be attentive, please. सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। Everyone who is happy that I am going to close, say hallelujah. जो सुन रहे हैं, खुश हैं, बोले hallelujah. Everyone who is happy that I am closing. हाँ, एक गड़बड़ हो गया। जो खुश थे कि मैं अभी रोकने जा रहा हूं, उन्होंने हालेलुया बोला। सुनते ही नहीं। I am raising a question. अब सवाल मैं उठा रहा हूं आपके लिए। Why does Satan wants his son to rule the earth? क्यों शैतान अपना पाप का संतान, सर्प का संतान, वो बीज को चाहता है कि वो शासन करे धरती पर? Did you listen the question? क्या आपने ध्यान से सुना सवाल को? Why does Satan want his son to rule the earth? क्यों शैतान अपने संतान को इस धरती पर शासन करवाना चाहता है? To get the political power? क्या उसको राजनीति की ताकत चाहिए? He already has the political power. उसके पास पहले से राजनीति की ताकत है। Then again, why the one world government? फिर क्यों एक राष्ट्र उसको चाहिए? Satan already has the political power. शैतान के पास पहले से ही वो राजनीति की ताकत है। He wants his son to rule the earth. वो चाहता है क्योंकि उसका बेटा, उसका संतान सुखुमत करे संसार पर। For another purpose. और कुछ और ही उद्देश्य के लिए है। Not only political power. केवल राजनीति ताकत के लिए नहीं। He wants to create and promote a false religion. वो एक दुर और गलत उस धर्म को प्रकट करना चाहता है। When Nimrod comes and rules the earth, जब निम्रोद आता है, शासन करता है, he will create a new religion. वो एक नए धर्म को उत्पन्न कर देता है। For that religion only he wants the kingdom. और वो उस धर्म के लिए ही उसको एक राज्य चाहिए। In that religion, और उस राज्य में Satan is God. और उस धर्म के अंदर में शैतान स्वयं ईश्वर बन बैठा है। Satan's son is being worshipped. शैतान का संतान की आराधना हो रही है। And everyone who doesn't worship Satan will be killed. और हर कोई उस शैतान की उपासना नहीं करेंगे, उसको मार डाल दिया जाएगा। Listen to me. ध्यान से सुनिएगा। Politics for religion. राजनीति उस धर्म के लिए। Politics to promote false religion. और राजनीति उस झूठे धर्म को बढ़ावा देने के लिए। Politics to stop the true religion. राजनीति उस सत्य धार्मिकता को रोकने के लिए। Politics to persecute the worshippers of the true God. राजनीति उस आत्मा में, सच्चाई में आराधना करने वालों को सताने के लिए। Politics only to stop the worship of the real God. राजनीति केवल सच्चे परमेश्वर की इबादत करने से रोकती है। All the world politics are against the true gospel. सारे दुनिया के राजनीति ताकत सच्चे सुसमाचार के खिलाफ है। I am closing my message. मैं अपने संदेश को रोक रहा हूँ। All the politics are being played to stop the real gospel. सारे राजनीति खेल इसलिए खेले जाते हैं ताकि सुसमाचार पर रोक लगाए। Then what shall we do? तो फिर हमें क्या करना है? What shall we do? हम क्या कर सकते हैं? Suppose that तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया, there is a thorn in your feet. ऐसा मान लीजिए कि पैर में एक कांटा चुभा है। How will you remove it? कैसे मैं उस कांटे को निकाल सकता हूँ? I'll give you 10 grams or 100 grams of gold. मैं 10 ग्राम सोना आपको दूँ तो? Will you remove the thorn with the gold? क्या उस सोने को लेकर उस कांटे को निकालोगे? Can you? आप निकाल सकते हैं क्या? I'll give you 1 lakh of rupees, 2 bundles of 500 notes, 2 bundles, 1 lakh of rupees. Can you remove the thorn? मैं 5 लाख रुपया का जो 500-500 की दो-दो गड्डियां मैं रखता हूँ, मैं आपको देता हूँ, क्या आप निकाल पाओगे? You can have
लाख्स ऑफ रुपीज, करोड़ ऑफ रुपीज, यू कैन नॉट रिमूव द थॉर्न। लाखों रुपया हो, कितना भी हो, कुछ भी हो, उस कांटे को जो चुभा है निकाल नहीं सकते हैं। आई विल गिव यू अ डायमंड। मैं अब आपको डायमंड देता हूं, हीरा। कैन यू रिमूव द थॉर्न विद द डायमंड? हीरा लाल से निकाल सकते हो क्या जी? हाउ विल यू रिमूव द थॉर्न? कैसे उस कांटे को निकाल सकते हो? टू रिमूव ए थॉर्न यू नीड टू यूज अनदर थॉर्न। हाँ, उस कांटे को निकालना है तो दूसरा कांटे का ही प्रयोग करना पड़ता है। Now politics are being played to stop the gospel. अब राजनीति खेल इसलिए है कि सुसमाचार पर रोक लगे। रंजित ओफिर has decided to play politics to promote the gospel. रंजित ओफिर इसलिए एक खेल को करता है। आया, हम भी राजनीति खेलेंगे। हम भी राजनीति खेलेंगे, सुसमाचार के खिलाफ राजनीति चला रहे हैं। Playing against the gospel. नहीं भाई, सुसमाचार के खिलाफ में राजनीति खेल रहे हैं। सुसमाचार के खिलाफ में राजनीति खेल रहे हैं। Yes, they are doing politics against the gospel. सुसमाचार के खिलाफ में राजनीति खेल। Then what shall we do? तो फिर हमें क्या करना है? We must also play politics to lift up the gospel. हमें भी राजनीति खेल को खेलना पड़ेगा कि परमेश्वर के सुसमाचार को उठा सके। And that is the reason I have registered a national political party called India Praja Bandhu. इसलिए मैंने भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति पार्टी इंडिया प्रजा बंधु का स्थापना किया है। इंडिया तो इंडिया है भाई, प्रजा तो प्रजा है, बंधु बंधु है, आप भूल नहीं सकते ये नाम। इंडिया प्रजा है, बंधु है, इस नाम को कैसे हम भूल सकते हैं? इंडिया के सारे लोग हमारे रिश्तेदार है। इंडिया के सभी लोग हमारे अपने ही हैं। याद रखना नाम, नाम को याद रखिएगा। अपना पार्टी का नाम है इंडिया प्रजा बंधु। हाँ, हमारा पार्टी का नाम है इंडिया प्रजा बंधु। इन 2024 वी आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट टू लोकसभा। लोकसभा में हम 2024 में चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। एंड फ्रॉम साउथ दिल्ली और एनी नियर बाई कॉन्स्टिट्यूएंसी Mr. Aditya is going to contest for Lok Sabha as a India Praja Bandhu Party candidate. और India Praja Bandhu candidate के तौर पर भाई आदित्य जी दक्षिण दिल्ली से या दूसरे कोई भी मुंसिपाल से वो चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। आपके वोटों के लिए कोई पैसा दिया तो आप ले लेना पैसा। आपके वोटों के लिए कोई पैसा है तो ले लेना पैसा आपको, क्योंकि वो पैसा तो आपसे लूटे हुए पैसा है। वो आपसे ही तो लूटा हुआ पैसा है। उसका दादा परदादा का पैसा नहीं है। हाँ, उनके दादा परदादा का पैसा नहीं है। हमसे लूटा हमको दे रहा है। हमसे लूटा हमको ही दे रहा है। पूरे पार्टी से पैसे लेना, वोट तो आदित्य को डालना। हाँ, सारे पैसे लेना भाई, आदित्य को वोट दीजिए। कांटे को कांटे से निकालना है, राजनीति को राजनीति से जवाब देना है, कांटे को सुसमाचार को खड़ा करना है, कांटे से निकालना है और सुसमाचार को बढ़ावा देना है, राजनीति को राजनीति से जवाब। शैतान राजनीति करता है सुसमाचार के खिलाफ। द सैटन प्लेस वेल गुड गेम अगेंस्ट God's people. अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं। इफ ही इज लाइक अ रोरिंग लायन बट आई एम अ रियल लायन। हाँ, वो शेर है, मैं सवा शेर। हाँ, सवा शेर है। हाँ, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। आई एम मोर देन हिम लाइक लाइन। आई एम एंग्री अगेंस्ट डेविल्स गेम ऑफ पॉलिटिक्स। शैतान के उस खराब गंदे राजनीति खेल से मैं बड़ा गुस्सा हूं। सो लेट अस ब्लेस आदित्य एज द फ्यूचर लोकसभा मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया प्रजा बंधु। भारत इंडिया प्रजा बंधु के आने वाले लोकसभा के चुनाव के तौर पर भाई आदित्य को हम ब्लेस करते हैं। एमपी आदित्य साहब, आपको बधाई। एमपी आदित्य साहब, आपको अभी से शुभकामनाएं, बधाई। लॉर्ड जीसस हेल्प माय डियर फ्रेंड आदित्य टू विन द इलेक्शंस, टर्न ऑल द हार्ट्स ऑफ द वोटर्स टुवर्ड्स इंडिया प्रजा बंधु पार्टी एंड आदित्य, लेट हिम बी द वॉइस ऑफ योर पीपल, voice of the suppressed people in parliament, in the next parliament. In the name of Jesus we pray. और प्रभु के लोगों ने कहा आमीन। आमीन। हमको नहीं भूलना एमपी भरने के बाद। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। See,
from Genesis 11th chapter till Revelation 13th chapter, the political game in the world is against the true God. उत्पत्ति 11वें अध्याय से प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय तक राजनीति का एक खेल खेला जा रहा था. But in the end time, God will come down. लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर स्वयं उतर आएगा. In spite of all the cunningness of the devil, और शैतान चाहे जितना भी चलाकी युक्तियों को कर ले, God will win the battle. परमेश्वर उस लड़ाई को जीतेगा. The church of God will win the battle. हो परमेश्वर की कलीसिया उस लड़ाई को जीतेगी. The true Christians will conquer the world. सच्चे मसीह जगत के ऊपर काबू पाएंगे. Nimrod can trouble the church only for 42 months. हाँ, निमरोध केवल 42 दिन के लिए ही कलीसिया को सता सकता है. Only 3.5 years. केवल 3.5 महीने, साढ़े तीन साल, 42 महीने, 3.5 साल. After 3.5 years, 3.5 साल के बाद, Jesus will come down. यीशु फिर दोबारा आएगा. The church will be raptured. कलीसिया लोप हो जाएगी. The church will receive the glorified bodies. और कलीसिया महिमामय शरीर को पाएगा. And we'll come back to the earth. हम वापस धरती पर आएंगे. Kill Nimrod. निमरोद को मार डाल देंगे. Send him to hell. उसको नरक में भेजेंगे. And Christ people will rule the earth for 1,000 years. और मसीही लोग 1,000 वर्ष के लिए शासन करेंगे. Get ready to rule the planet for 1,000 years. तैयार हो जाओ धरती पर 1,000 वर्ष का राज्य शासन करने के लिए. This is tomorrow's newspaper. ये आने वाले कल का अखबार की खबर आपको अभी से प्रस्तुत है. God of the Bible is not a news reader. बाइबल का परमेश्वर खबर पढ़ने वाला नहीं है. He tells you the future exactly. वो उस भविष्य को सटीक और स्पष्ट बताता है. He is also telling your future. हम आपका भविष्य भी बता रहे हैं. He is telling you a future. आपका भविष्य बता रहे हैं. If you die without Jesus Christ, you are going to end up in hellfire. यदि आप यीशु मसीह को लिए बगैर मरेंगे तो उस नरक में, अग्नि नरक में मरने के लिए तैयार हो जाओ. Believe on the Lord Jesus Christ tonight. इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर आज की रात्रि भरोसा विश्वास करें. You shall be saved and your household shall be saved. और आप बचेंगे तो सही आपका घराना भी बच जाएगा. Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Hallelujah. Hallelujah. Almighty God, our loving heavenly Father. सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर. You are an amazing God. आप अद्भुत परमेश्वर हैं. Your wisdom and foreknowledge is awesome. आपका जो दैविक बुद्धि और ज्ञान वो हमारे समझ से भी अद्भुत है. Only you know the future, O Lord. केवल प्रभु आप ही भविष्य को जानते हैं. And hundreds of your prophecies are being fulfilled. 100 साल से भी अधिक हो गए, लेकिन आज भी आपकी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं. Many hundreds of prophecies which you told in the Bible are now being fulfilled. 100 से भी अधिक भविष्यवाणियां आज भी बाइबल में लिखी हुई पूरी हो रही है. Many hundreds of prophecies. कई सारे 100 से अधिक भविष्यवाणियां. Let the people of the earth know that you are the real God. और होने पाए संसार के लोग समझे कि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं. Let the whole earth know, all the people know that God of Israel and God of the Bible is the only God there is. सारे जगतवासी इस बात को जान ले, समझ ले कि इस्राएल का परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है. Let India know that the God of the Bible is the real God. और भारत भी इस बात को जान ले कि ओ परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है. Let 200 countries know that the God of the Bible is the real God. 200 राष्ट्र के अंदर में भी बाइबल का खुदा सच्चा है, जान ले. When Ezekiel 38 chapter is being fulfilled. Ezekiel 38वां अध्याय जब पूर्तिकरण हो रहा है. At least then let millions be saved, O Lord. इस बात को जानकर भी लाखों मिलियन लोग प्रभु आपको जाने. Bless all the conveners and participants of these wonderful meetings. और इस अद्भुत सभा के कन्वीनियर और आए हुए सभी लोगों को आशीषित करें. Make the word fruitful. और इनके वचन परमेश्वर वो फलदायक हो जाए. Bless all the government authorities who cooperated and gave us permissions for these meetings. हमारे साथ सहभागी हुए, हमें अनुमति दिए सभी सरकारी गणों को प्रभु आशीषित करें. Bless both the central government and the state government. केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को आशीषित करे. In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांग लेते हैं. Amen and amen. Amen, amen, amen. Hallelujah.